कार भाई किसी भी प्राइस रेंज की हो, अगर उसकी चाबी बढ़िया है तो अच्छी फीलिंग आती है भाई चाबी को लेके। तो भी जानते हो कि टाटा की चाबी बड़ी प्रीमियम से मिलती है, इसमें आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपनर के ऑप्शन मिल जाते हैं। बड़ी ही प्यारी से डिजाइन के साथ आपको चाबी इसमें ऑफर की जाती है। कौन सी गाड़ी की ये चाबी है? तो ये है टाटा हैरियर एक्सेड प्लस वेरियंट की चाबी, जो कि एक शोरूम प्राइस पड़ती है 21,32,000 रुपये पड़ता है। और उसमें आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और अभी ऑटोमोटिव की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ईआरएल्स में ही आपको इंडिकेटर इसमें ऑफर किए जाते हैं। न्यू डिजाइन की आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, उसी के बीच में आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ, और हेडलैम्प आपको हेलोजन सेटअप और कॉर्निंग लैम्प भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में भी आपको कैमरे की इसमें प्लेसिंग मिल जाती है, 360 व्यू कैमरा भी इसमें ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे आपको फेंडर पे क्रोम फिनिश के साथ डार्क की बैजिंग इसमें दी जाती है। बॉडी कलर ओवी आरएम्स, उसी में ही आपको टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और पेडल लैंप भी इसमें दिया गया है। ब्लैक कलर डोर हैंडल, उन्हीं में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। गाड़ी 5 सीटर है पर दिखने में बहुत बड़ी सी लगती है, और डायमेंशन भी आपको इसमें ये वाली मिल जाती है। के साथ आपको इसमें 17 इंच के डायमंड कट अलॉय ऑफर किया जाता है। और टायर प्रोफाइल की बात करें, 235/65/R17 के टायर सेक्शन इसमें ऑफर किया जाता है। व्हील और फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक इसमें ऑफर किए जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm की इसमें मिल जाती है। ब्लैक कलर की आपको व्हील आर्च इसमें ऑफर की जाती है। और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा। और ये है गाड़ी की रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको बड़ी सी डिजाइन के साथ आपको एलईडी में टेल लैंप्स इसके ऑफर की जाती है। गाड़ी के बूट के मिडिल में आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो, और उसी के नीचे आपको हैरियर की बैजिंग इसमें मिल जाती है। रियर में आपको रियर वाइपर और रियर डिफोगर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको प्लेसिंग मिलती है वॉशर की। यहाँ पे आपको सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप इसमें मिल जाता है। ब्लैक कलर शार्क फिन एंटीना। गाड़ी के रियर बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर भी इसमें ऑफर किया जाता है, और उसी के नीचे क्लडिंग में भी आपको रिफ्लेक्टर इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर भी इसमें मिल जाते हैं। वैसे गाड़ी दिखने में तो बहुत बड़ी लगती है फ्रंट प्रोफाइल से भी और रियर प्रोफाइल से, पर जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है उसमें तो आपको 7 सीटर गाड़ी के और वेरिएंट में मिल जाती है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। तो डोर पैनल में आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जाती है? यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ इनर डोर हैंडल, ऑल पावर विंडो के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट इसमें ऑफर की जाती है, और मेमोरी फंक्शन भी इसमें मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओवी आरएम्स की जॉयस्टिक, ऑटो फोल्ड भी ये हो जाते हैं। साइड में मिलता है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुली डिजिटल इसमें ऑफर किया जाता है। ब्लैक लेदर रैप के साथ आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, बड़ी सी स्क्रीन के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें ऑफर किया जाता है। और उसी के नीचे आपको एसी वेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसी के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी पॉइंट मिल जाता है। 3 ड्राइविंग मोड में ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको मिलता है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ये गाड़ी आती है। और गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक डे नाइट रियर व्यू मिरर मिलता है। इसी के साथ आपको को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर में लाइट मिल जाती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर नहीं ऑफर किया जाता। ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स में स्पेस मिलेगा। इसी के साथ आपको कूलिंग ग्लोव बॉक्स भी इसमें मिल जाता है। इसी के साथ सेंटर कंसोल में आपको 2 कप होल्डर भी इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गेन की है, और इसी के साथ आपको गाड़ी में 6 एयरबैग्स इसमें मिल जाते हैं। 6 आपको आर्मरेस्ट इसमें ऑफर किया जाता है, और इसी के साथ आपको 12 वोल्ट सॉकेट आर्मरेस्ट में मिल जाता है। गाड़ी में आपको बड़ी वाइड सी मून रूफ और सनरूफ भी ऑफर की जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन में। फ्रंट कैबिन में आपको क्या क्या मिलता था? यह है गाड़ी का रियर कैबिन। रियर कैबिन में आपको लेदर की ग्रे कलर में सीट्स मिलेंगी। हाइट एडजस्टेबल आपको 2 हेडरेस्ट मिलेंगे। गाड़ी के कवर्स की है जो फिट एंड फिनिश है वो बड़ी ही बढ़िया तरीके से हुई है। ये फ्लोर पे आपको मिडिल पे हब मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 USB पॉइंट इसमें मिल जाते हैं। हेड सीट्स की सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिनमें आपको कप होल्डर भी इसमें दिए जाते हैं। गाड़ी का डार्क एडिशन है, और इसकी गाड़ी की जो रूफ है वो भी आपको ब्लैक कलर में डार्क कलर की ही मिलेगी। आपको गाड़ी में 9 स्पीकर इसमें दिए जाते हैं, और इसमें आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि आपको JBL का ट्विटर सेटअप भी इसमें मिल जाता है। गाड़ी में आपको पियानो ब्लैक और सॉफ्ट टच की फिनिशिंग भी दी जाती है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है मतलब कॉस्टली होती है, उनमें ये सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे। जब आपका डोर पैनल खुलता है तो आपके दूर से दिखने वाले को ये रिफ्लेक्टर दिख जाते हैं। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें डीजल वारंटी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको मिलता है 1956 cc 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp के साथ 350 Nm का टॉर्क
और गाड़ी अपने परफॉर्मेंस को लेके भी बहुत अच्छी जानी जाती है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है और आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं तो ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। इस गाड़ियों में से तो एक है ही और इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।